एमपी में उपचुनाव को लेकर मोहन सरकार चुनावी मोड में नजर आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर पहुंचे, जहां से उन्होंने विजयपुर को साधने की कोशिश की। मोहन यादव ने सौगातों की झड़ी लगाते हुए कलेक्टर और अफसरों को भी सख्त हिदायत दी है। देखिए पूरी खबर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश के उपचुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर जिले के वीरपुर दौरे पर पहुंचे, जहां संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें सीएम मोहन यादव ने 57,42,00,000 के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मोहन यादव ने कलेक्टर और अफसरों को सख्त लहजे में कहा कि गाँव वालों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, जहां जहां आबादी मांग रहे हैं व्यवस्था करवाओ। कि हमारे बीच आज का आना तो और आवश्यक था। आज वीरपुर के इस क्षेत्र में जब हम आए तो यहां वीरपुर में आज सबसे बड़ी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के लोगों के लिए, और जब वन प्रबंधन समितियों का कार्यक्रम करने आए तो 55 करोड़ की लागत से बहुत सारे विकास कार्यों की सौगात आपको देने का काम किया है। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कामों का, भूमि पूजन, लोकार्पण, पता नहीं क्या क्या है। मैं आज इस बात के लिए भी आपको बधाई देना चाहूंगा कि यहाँ लगभग 7,69,00,000 की लागत से वीरपुर कुडाए था असीता में नल जल योजना का कार्य का भूमि पूजन हुआ, लोकार्पण हुआ। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। और युवाओं के लिए 4,34,00,000 की लागत से शासकीय कॉलेज ढोडर, जोरदार अभिनंदन करो युवाओं के लिए, ये सौगात मिली है। 3,78,00,000 की लागत से श्योपुर एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेसईपुरा में इसका उन्नयन का काम किया गया, अभिनंदन करो ये नए काम के लिए। 1,31 करोड़ की लागत से विजयपुर के अंदर अनुविभागीय कार्यालय का भी आज उद्घाटन किया गया, जहां हमारे एसडीएम बैठेंगे। जोरदार ताली बजाओ एसडीएम के इस नए कार्यालय के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपनी औद्योगिक निवेश के लिए मीटिंग की है, वो इसीलिए कि यहाँ जो बेरोजगार युवा बैठे हैं, आने वाले समय में इन्हें रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं, जो आईटी के हैं वो वहाँ जाएंगे, जो कृषि में जाना चाहते हैं वो वहाँ जाएंगे। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि जो पशुपालन करना चाहते हैं उसे हम प्रोत्साहन देंगे, हम उनका दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद करेंगे। वन प्रबंधन समिति की बात कर रहे हैं तो वनों के अंदर विकास के लिए हमारी सरकार ने, और अब तो खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मन में ये भाव बना हुआ है कि आज वन के अंदर हमारे अपने भाई बहन अगर निवास करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, जंगल में कौन कौन से जानवर नहीं है, लेकिन सारे जानवरों के बीच भी जो प्रकृति के साथ तालमेल करते हैं, एक दूसरे के साथ जियो और जीने दो की भावना रखते हैं, ऐसे में जो न्यूनतम जरूरत है वनग्राम में भी, तो उनकी फसल का अधिकार भी उनको मिलना चाहिए, बेचने का अधिकार भी उनको होना चाहिए। चिंता मत करो, ये अधिकार भी आपको दिया जा रहा है, सारे के सारे पावर आपको दिए जा रहे हैं। पैसा एक्ट के माध्यम से एक एक गांव के अंदर विकास के मामले में, और आप तो और जोरदार भाग्यशाली हो, आपकी तो चारों उंगली। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बुधनी विजयपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सीएम मोहन यादव आक्रामक प्रचार शुरू करते हुए नजर आए। श्योपुर के सहारे मोहन सरकार ने विजयपुर सीट को साधा है, वहां से रामनिवास रावत का बीजेपी से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, श्योपुर।